मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहां ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है मैं तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इनविटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा, लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। आज कांग्रेस लीडर्स भी मिलने आए थे, तो क्या कोई डिमांड्स या कुछ? नहीं, उन्होंने डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं, हम मिलके हकूमत बना रहे हैं। उनका जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाईकमांड को इजाजत दी कि वो सीएलपी का जो है फैसला करें, सीएलपी लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। सर, काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अब ज्वाइन इन कर रहे हैं, एनसीएम ने देखा पिछले कुछ दिनों में, तो क्या एक स्पेकुलेशन है कि और जो बाकी हैं वो भी ज्वाइन करेंगे ऐसा कुछ? ना, ऐसी बात नहीं है। ये आमतौर पर वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक आध को छोड़ के ये सारे वही हैं जिनको शायद अलायंस की वजह से अपनी सीट नहीं मिल पाई और वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़के गए और जीत गए। अब वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मैं वापस आना चाहते हैं और एक आध ऐसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के हमारे साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने वेलकम किया और इन्हें लोगों के वोट हासिल हुए क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं कि उनके इलाकों में काम होंगे और मेरा फर्ज बनता है कि उनके मैं जो है हाथ पकड़ के उनके इलाकों में उनकी मदद करूं। सर, एक आखिरी सवाल, इल्तिजा मुफ्ती जी क्लेम कर रही हैं कि बिज बिहारा में एनसी के वर्कर्स जो है वैंडलिज्म कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग देयर वर्कर्स, हाउ डू? मैं मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें। ये अब अगर किसी तरह का सबूत है तो वो पेश करें। जिनके खिलाफ इल्जाम लगे हैं वो तो उनके खिलाफ अब केस करने के लिए तैयार हैं डेफामेशन के। अब ये अदालत को फैसला करने दीजिए कौन सही है कौन गलत। जम्मू डिवीजन के इग्नोरेंस का एक बड़ा आरोप लगा। कोई इग्नोरेंस नहीं है ना, कोई इग्नोरेंस नहीं ना। आप पता नहीं एएनआई को डिप्टी सीएम का क्यों इतना शौक है? आप हम पे छोड़ दीजिए, हमने किसको कहां से लेना है। और फैसला या ऐलान यहां आपके एजेंसी के तरफ से नहीं होगा, आप हम पे छोड़िए। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि हम किसी इलाके को इग्नोर नहीं करेंगे और इस हुकूमत में जम्मू इग्नोर नहीं होगा और इससे